हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं मराठी उपयोजित लेखन का एक और टॉपिक, बातमी लेखन। इसके पहले जो दो लेटर थे वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। सो ये जितने भी आपके डाइजेस्ट में है, सो बार बार कमेंट्स बच्चों क्या रहे कि मैं सारे के सारे बताइए, तो यहाँ पे वही मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग कि आपको हाई रेजोल्यूशन पे, मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, क्योंकि बार बार बच्चे यही बोलते हैं मिस बहुत ब्लर है करके। इवन 9th 10th के भी बच्चे भी बोलते हैं ब्लर है, तो लेकिन आपको क्या करना, कोई कोई ब्लर होता है लेकिन जब क्लियर रहता है तब भी अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो समझिए कि आपका रेजोल्यूशन आपने हाई पे नहीं देख रहे हो, स्लो पे देख रहे हो, ठीक है। तो 720 पे और ये है बहुत हाई रेजोल्यूशन, ये दोनों इससे कम में अगर आप देख रहे हो तो इतने पे होना चाहिए, तभी आपको क्लियर दिखे, क्योंकि ये सब पेजेस के हैं। तो समझिए, इंग्लिश में रिपोर्ट राइटिंग, हिंदी में वृत्तांत लेखन और मराठी में बातमी लेखन। सो ये आपको पता ही है, जैसे कि हमारे यहाँ पे गांधी जयंती मनाया जाता है, शिक्षक दिवस, तो उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ और कितने लोग आए, कौन मुख्य अतिथि थे, कब हुआ, कैसे पूरा, मतलब स्टार्टिंग टू एंड हम बताते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो जैसे हम देखते हैं वर्तमान पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, किस तरीके से ये माध्यम होते हैं हमें सारी चीज़ों के बताने के, जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश में और दुनिया में और हर जगह की हमें न्यूज़ देते हैं। तो उसी तरीके से कैसे हुआ सारी चीज़ें, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में एकदम क्लियरली आपको वो लिखना होता है। तो आपको लिखने के, देखिए ये कुछ यहाँ पे टॉपिक है, जैसे मराठी भाषा दिन, स्नेह सम्मेलन, शालेय घड़ामोड़ी, वृक्षारोपण, सहल, आपत्ति व्यवस्थापन, ये कुछ अलग अलग मुद्दे हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिसपे बातमी लेखन लिखने के लिए आता है। आपको एग्ज़ाम में भी ये आता ही आता है 5 मार्क्स के लिए। तो 8 की बात करें अगर 7 मिनट के लिए, तो कम से कम शब्द मर्यादा कितनी है, 50 से 60 शब्द होने चाहिए। और यहाँ पे देखिए, दिलेल्या बातमी वरील कृति मनेज मंजे मंजे प्रश्न 57, यानी कि अगर देखिए आपको ये सारी चीज़ें लिखनी जरूरी है, पहले स्थल जगह क्या है, दिनांक कौन सा है, वो सारी चीज़ें आपको लिखना है। और आपको क्या लिखना है, यानी कि व्याकरण अच्छे से होना चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए, लेखन कौशल होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, यानी कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इन सब का मैं, ये क्या लिखा गया है मैं हिंदी में भी बता देती हूँ इसका, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये सब दिया गया है, टेक्नोलॉजी और मास मीडिया के कारण दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, हिंदी में है ये, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये सब इस तरीके से, आज के इस मशीनी युग में ये तो जस्ट नॉर्मल आपको इसका दिया गया है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है, भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण की अच्छी समझ होनी चाहिए, लेखन कौशल अच्छा होना चाहिए, सरल और यानी यहाँ पे इजी होना चाहिए वाक्य, ओके, और शुद्ध होना चाहिए जो वर्ड्स हैं, सटीक और सही विवरण होना चाहिए जो आप लिख रहे हो, और किसी को, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले ऐसे मुहावरे और शब्द नहीं होने चाहिए। और समाचार की विशेषताएँ, शीर्षक, तो समाचार का शीर्षक यानी कि टाइटल इम्पॉर्टेंट है कि आप किस बात पर लिख रहे हो, और संबंधित जहाँ पे वो कहाँ का न्यूज़ है, किस जगह का है, वो उसका डेट और वो स्थान और समय, कितने बजे का टाइम है, वो सब यहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा गया है। सो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और हमेशा जब भी आप वृत्तांत लेखन लिख रहे हो वो हमेशा पास्ट में होना चाहिए, भूतकाल में लिखा होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ तो आपको इंग्लिश और हिंदी में भी सिखाई जाती हैं, ठीक है, सेम चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि कैसे हुआ क्या हुआ वो सब आपको बताना होता है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं बातमी के, यानी कि सांस्कृतिक, क्रीड़ा, खेल का, राजकीय, शारीरिक, शैक्षणिक, सामाजिक यानी सोशल, वैदिक, वैज्ञानिक, रोज़ रोज़ की जो घटनाएँ कुछ ना कुछ होती रहती हैं वो उस पर बातमी तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, पहला जो दिया गया है आपको, यहाँ पे बातमी लेखन भी दिया गया है और क्या किया गया है, पुढ़िल बातमी वाचुन, ये जो दिया गया है उसको पढ़ो और दिए गए जो प्रश्न है उसको लिखो। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन बोल सकते हैं कि आप पूरा इस टॉपिक पर आप लिखिए बातमी लेखन। जैसे ये देखो, आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, पुढ़िल बातमी वाचुन त्याखाली दिलेल्या प्रश्नांचे उत्तरे लिहा, यानी कि ये दिया गया है, ओके, और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं वो आपको लिखना है। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्वेश्चन है डाइजेस्ट में स्टार्टिंग में वो दिया गया है, ये मैंने सेकंड सेमेस्टर का आंसर बना दिया है, वो देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखिए ऐसे ही पूछा जाएगा जैसे वहाँ पे हम देख रहे हैं,
तो ये बातमी लेखन पहले आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखना रहेगा, वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर समझते हैं। उतरौली, उतरौली में यानी कि उतरौली कहाँ पे? भोर में। उतरौली एथिल जिला, इस ज़िले में जिला परिषद में प्राथमिक शाला में 10 दिन का चित्रकला शिविर था, अब वो हो चुका है, यानी 10 दिन का चित्रकला संपन्न हुआ 19 दिसंबर 4 बजे 4 से 6 या वेळात शिविराचा समारंभ साजरा झाला। या शिविराची संघ का प्रसिद्ध चित्रकार और इसका उद्घाटन इसका संचालन किसने किया? प्रसिद्ध चित्रकार अविनाश शिवतरे यांच्या सप्रात्यक्षिक मनोगताने करण्यात आली। तो यहाँ पे देखो यही बोला गया कि हमारे जीवन में कला का बहुत महत्व है किसी न किसी रूप में, ठीक है, ये कला हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये विचार उन्होंने व्यक्त किया। और जो समारंभ ये जो अध्यक्ष थे वो कौन थे इसके, तो ये जो हो रहा था चित्रकला शिविर जो था इसके अध्यक्ष कौन थे? मुख्य अध्यापक श्री सदाशिव शिंदे और कला शिक्षिका जो थी श्रीमती सुरिंता सोमन, ये प्रमुख थी। सभी वहाँ पे जो उपस्थित लोग थे, जो पावने थे यानी जो गेस्ट थे, उनका जो यहाँ पे अपना टाइम निकाल किया है उनका उन्होंने आभार व्यक्त किया। सो इस तरीके से यहाँ पे ये दिया गया है कि इस तरीके से भव्य चित्र प्रदर्शन हुआ, यानी कि जो 25 लोग थे उनका जो चित्र था यानी कि जो कलाकारी थी, जो पेंटिंग थी, उसका प्रदर्शन किया गया, ओके, और उनको उसका उचित प्रतिसाद दिया गया, उसका जो रहता है पुरस्कार वगैरह दिया गया। कौन थे लिहा, ये सारे क्वेश्चन हैं, इसका आंसर देखेंगे। पहले हम इसका हिंदी में समझ लेते हैं, ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, वैसे तो मैं समझा भी दी हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, उतरौली भोर जिला परिषद में, ये अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो क्वेश्चन आंसर आप फटाक से लिख सकते हो, अगर आपने समझा ही नहीं तो क्वेश्चन आंसर लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगी। उतरौली भोर जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय उतरौली में हाल ही में 10 दिवसीय यानी 10 दिन की चित्रकला का समापन हुआ, खत्म हुआ 10 दिन का जो चित्रकला प्रदर्शन लगा हुआ था। शिविर का समापन समारोह यानी कब खत्म हुआ? 19 दिसंबर शाम 4 से 6 बजे तक मनाया गया उसका समापन समारोह। शिविर का समापन यानी उसका जो समापन था जिस दिन लास्ट दिन था, प्रसिद्ध चित्रकार श्री अविनाश शिवतारे ने किया। अब हमारे जीवन जब हमारे जीवन में कला के महत्व की बात आती है तो हर किसी को कला के किसी न किसी रूप को सीखने की ज़रूरत होती है। उन्होंने अपने अपने विचारों को अपने मन से व्यक्त किया। समारोह की अध्यक्षता प्राथमिक विद्यालय यानी कि समारोह की अध्यक्षता किसने की? तो प्राथमिक विद्यालय जो विद्यालय था उसके प्राचार्य श्री सदाशिव शिंदे ने की थी। कला अध्यापिका श्रीमती सुनीता सोमन मुख्य अतिथि और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया उन्होंने। और इस अवसर पर सभी 25 शिविरार्थियों के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, उन्हें प्रशंसकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली। प्रतिक्रिया यानी अच्छा रिएक्शन लोगों का आया। तो आप देखो समारोह के मुख्य अतिथि, समारोह के अध्यक्ष, पंडित प्रश्न के उत्तरदाता, उत्तर लिखिए, शिविरार्थियों की संख्या 25, हमने देखा शिविरार्थियों द्वारा सीखी गई कलाएँ, शिविर का स्थान क्या था हमने देखा ऊपर में ही है, शिविर शुरू होने की तारीख क्या है, उन तत्वों को लिखिए जिनके बारे में उपरोक्त समाचार में जानकारी दी गई है। तो चलिए अभी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये देखिए सब आंसर है, समारोह के मुख्य अतिथि तो कौन है? मुख्य अतिथि अविनाश शिवतारे, ये आंसर है। अभी हम मराठी का भी देख लेंगे। समारोह के अध्यक्ष प्राचार्य श्री सदाशिव शिंदे, पेंटिंग प्रदर्शनी के उत्तरदाता, तो यहाँ पे ये लोग चित्रकला प्रदर्शनी में उत्साही लोगों की प्रतिक्रिया। उसके बाद शिविरार्थियों की संख्या कितनी है? तो 25 है। शिविर में शिविरार्थियों द्वारा सीखी गई कला, तो वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखो कला ये रहा चित्रकारी, ओके। शिविर शुरू होने की तारीख तो यहाँ पे देखो दिया गया है, शिविर प्रारंभ होने की तिथि 10 दिसंबर, ये तिथि, और ये शिविर का स्थान, तो ये है, ये है शिविर का स्थान, इसका आंसर है, और इसका आंसर ये है, ठीक है। चलिए अभी हम देख लेते हैं मराठी में। ये हिंदी में मैं उन बच्चों को समझा रही हूँ जिनकी मराठी मतलब वीक है कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मराठी पढ़ने भी अच्छे से नहीं आती है, तो इसलिए उनको हिंदी में मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। इसका आंसर ये है, इसका आंसर
ये वाला इसका ये जो है इसका आंसर ये है, और ये जो है तो रसिक यानी जो देखने के लिए आए थे। अब यहाँ देखो शिवरात्रि की संख्या कितनी है, 25। चित्रकला शिवरात्रि ठिकान यानी कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है 4th का 10 दिसंबर। ओके अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन है इसका ये आंसर इसका देखो ये रहा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 आंसर। एक इसमें ये आ जाएगा, इसमें ये वाला आंसर, इसमें ये वाला, इसमें ये वाला, और इसमें लास्ट का। ओके बच्चों, सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। अभी एक और है, ये भी हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है कमेंट पूछिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और कोई वीडियो चाहिए इसी तरह से कमेंट बताते रहिए, ये सारे आपके कमेंट्स पे ही वीडियोस बन रहे हैं, क्योंकि ये तो मैंने बनाया भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि इसकी आपको नीड होगी, तो मैंने यहाँ पे आंसर बता दिया है आपको। और जो भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। आपके सारे जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना लास्ट के, तो मराठी का भी बन गया है, हिंदी का भी बन गया है, हर एक सब्जेक्ट का बन गया है, आप चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट हिंदी का आपको हिंदी मिलेगा, ओपन बुक क्लोज बुक भी, और मॉडल क्वेश्चन पेपर भी जो सेकंड सेमेस्टर का है सब बन गया है। आपको जस्ट प्लेलिस्ट चेक करना है, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में चेक करना है। ओके।